अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन शौरमा। और चिकन शौरमा के लिए जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो कुछ इस तरह से हैं। ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, तकरीबन ये 250 ग्राम। तो ये मैं इसे एक बाउल में डालूँगी। और ये मैंने 1 चम्मच लिया शुगर और ये आधा चम्मच लिया है नमक, तो ये भी इसमें मैं ऐड करूँगी। और यहाँ मैं ये ऐड कर रही हूँ अंडा। अंडे को पहले से मैंने ये फेंट लिया है। और ये 2 चम्मच ऐड करूँगी दही। और तकरीबन 1 चम्मच ऐड करूँगी ऑयल। और 1 चम्मच इसमें ऐड करूंगी ये यीस्ट, ये इतनी। अब मैं इसे, ये गरम दूध है, ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, ऐसे ना गरम है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरम दूध नहीं लेना। मैं इसमें ये थोड़ा कुछ दूध ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत होगा तो। ये गर्म पानी भी है तो ये भी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं लेना, इससे जो ये यीस्ट की खुशबू है फिर वो ज़्यादा वो मिक्स हो जाती है। इससे पहले मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, जितना हमें दूध ज़रूरत होगा वो फिर ऐड करूँगी। इसके तकरीबन 3 से 4 स्टेप होते हैं इसके शौरमा के। इसका हमने सैलेड भी बनाना है वेजिटेबल्स, और चिकन को भी तैयार करना है। पहले ये हम बना के रख लें, इसकी डो बना के, तो बाद में फिर दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो इस तरह ये जो घर का जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, ये बहुत सख्त भी नहीं रखना और बहुत नरम भी नहीं। तो बस इसको 3-4 मिनट ऐसे अपने ऐसे हाथ से वो करूँगी, ऐसे अच्छी तरह इसको। तो फिर इसको किसी ऐसे, आप इसको 2 घंटे के लिए रख दें, तो ताकि ये अच्छी तरह ऐसे जो है ना, ये दो जो है ना राइज हो जाए। अब मैं ये इसका चिकन शोरमा का कर रही हूँ स्टेप 2। और स्टेप 1 में मैंने डो बनाई थी। तो अब मैं ये, मैंने चिकन लिया है बोनलेस, ये मैंने ब्रेस्ट का लिया है, तो ये तकरीबन 1/2 kg है। तो ये मैं इसे बाउल में डालूँगी। तो अब मैं ये इसमें जो ये मसाले ऐड करूँगी, ये आधा चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, ये आधा चम्मच लिया है मैंने नमक। आप अपने इसमें जैसे आप पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। ये आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लिया है ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच लिया है ये धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच लिया है ज़ीरा पाउडर, और ये मैंने लिया है तिक्का मसाला, और ये 2 चम्मच लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इन सबको इसमें ऐड करूँगी। और ये मैंने 1/2 कप लिया दही, और ये मैंने लिया हुआ है लेमन जूस। तो इसमें से मैं ये ऐड करूँगी 1 चम्मच लेमन जूस का इसमें। और ये ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मैंने ये लिया दही। अब मैं इसको ये अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लूँगी इसको, ये दही को, लेमन जूस को, और ये जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये स्टेप 3 पे ये मैंने वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी हुई हैं,
तो ये है बंद गोभी, ये है बंद गोभी पर्पल कलर में, ये है शिमला मिर्च ब्रिक, ये भी मैंने ऐसे स्लाइस में कटिंग कर लिया है, ये है प्याज पर्पल कलर में, और ये है स्वीट चिली, ये हमारे यहाँ होती है, ये नहीं होती, कड़वी नहीं होती, और ये लिया है मैंने वाइट प्याज, और ये लिया है मैंने टमाटर स्लाइस, मैंने सब्जियों को मैंने स्लाइस में का, आप इनमें से कोई सब्जी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनको ऐसे एक बाउल में डालूंगी। अब मैंने यहाँ लिया है ये, इसका जो शोरमे का सैलेट बनाना है, ये जो मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं इसमें ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच काला नमक, और ये 1 चम्मच करूँ ऐड करूँगी ये लेमन जूस, पर एक नहीं 2 चम्मच ऐड करूँगी, और ये 1/2 चम्मच ऐड करूँगी इसमें नमक, और ये यहाँ मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस, तो ये भी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी इस पर। अब मैंने ये इसका ये सैलेट भी तैयार कर लिया, और ये चिकन को भी ये मैरिनेट करके तो ये भी मैंने रख लिया है, और अब इसकी डो भी बनने के लिए वो राइज होगी, लेकिन मैंने एक डो बना के रखी हुई है जो अभी हम इसकी शोरमे की रोटियां बनाएंगे। अब मैं हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं, वाइट सॉस। तो ये मैंने 1/2 कप लिया है मायोनीज, और इसमें जो मैंने अब ऐड करनी है चीज़ें, ये मिसाल है, ये 1 चम्मच लिया है मैंने आर्गानो, और 1 चम्मच लिया है ये मैंने सफ़ेद तिल, और ये 1 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, और ये 1/2 चम्मच लिया है सॉल्ट, और ये लिया है मैंने लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, और मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी लेमन जूस, ये इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस, और ये 1 चम्मच है ऑयल, ये 1 चम्मच सिरके का डाला है मैंने, ये 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेंगे। लिया है इसमें ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये ऑयल डालूंगी इसमें, अब मैं ये इसमें ये चिकन ऐड करूंगी जो ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है, अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में, तो उसके बाद मैं फिर इसकी शोरमे की रोटियां बनाऊंगी। तो देखिए ये अब चिकन तैयार हो गया है शोरमे के लिए, अब मैं बनाऊंगी शोरमे की रोटियां, वो बेल के। तो अब बनाते हैं रोटियां इसकी। ये अब डो हमारी जो है ना, ये आप देखें मतलब राइज हो गई है, तो अब मैं इसका ऐसे पेड़ा बना के और यहाँ पे आटा डस्ट करूँगी, तो ऐसे करके तो इसके इसके मैं ऐसे इसके हिस्से काट लूंगी ऐसे करके छुरी के साथ। ये ऐसे मैं इसमें से ये निकालूंगी ऐसे करके, ये ऐसे,
इनके ऐसे इस तरह पेड़े बना के। ये अब रोटी बन गई है छोड़ने की। अब मैं इस तरह ये सारी ऐसे रोटियां बना लूंगी। तो अब मैं इसके ऊपर ये ऐसे सॉस लगा रही हूँ इसके ऊपर, इस रोटी के ऊपर। ये गार्लिक चिली सॉस है, ये इसके ऊपर सारी ऐसे चम्मच के साथ लगा के ये पूरी रोटी पे। तो इसके बाद मैं ये लगाऊंगी मायोनीज सॉस। ये अच्छी तरह लगा के फिर इसके ऊपर रखूंगी इस पे सैलेड। अब ये इसके ऊपर रख रही हूँ ये। सैलेड ये इस पे ऐड करूँगी चिकन। अब इसके ऊपर फिर थोड़ी सी ये लगाऊंगी मायोनीज सॉस। इसको ऐसे करके ऐसे ये ऐसे करके ऐसे फोल्ड करूंगी। ये चिकन शोरमा मैंने बना लिया है। अब आज की रेसिपी अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।